आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। देश के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी, मंडी में 11,000 करोड़ के हाइड्रो प्रोजेक्ट का करेंगे शिलान्यास। देश में मौसम मिजाज बदला, बर्फबारी और बारिश से बढ़ी ठंड। राजनीतिक रैलियों पर रोक के फैसले को विपक्ष ने सरकार के ऊपर छोड़ा, कांग्रेस ने कहा हम करेंगे फैसले का पालन। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच आज स्वास्थ्य मंत्रालय की इलेक्शन कमीशन के साथ बैठक, रैलियों को रोकने पर हो सकता है फैसला। यूपी और हरियाणा के कई हिस्सों में बारिश की आशंका। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश बुलेटिन की खबर, रायबरेली से है, जहां सहकारी बैंक के वार्षिक सामान्य निकाय बैठक में शामिल होने पहुंचे कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कानपुर में हुई छापेमारी पर सरकार की भूमिका से इनकार किया। इस दौरान स्वामी ने कहा ये छापेमारी उन लोगों पर हुई है जो अनुचित पैसा बैंक में नहीं रखकर घरों में रखते हैं। आगे उन्होंने कहा कि अगर सरकार की इसमें भूमिका होती है तो सपा के छोटे नेताओं पर कार्रवाई नहीं होती। देखिए, ये कहना सर्वथा अनुचित है कि समाजवादी पार्टी के लोगों पर छापेमारी हो रही है, बल्कि ऐसे लोग जो वांछित हैं धन को कहीं ना कहीं इकट्ठा करके बैंक में न रख करके घर पर रखे हुए हैं, कहीं ना कहीं उनके स्रोत समुचित न होकर के अनुचित हैं, ऐसे लोग निशाने पर आ रहे हैं और इसमें किसी पार्टी के नेता को किसी प्रकार का तकलीफ नहीं होना चाहिए। अगर समाजवादी पार्टी या किसी पार्टी विशेष के नेताओं के यहाँ छापा मारी जाती तो पार्टी के अगली कतार के नेताओं पर छापा मारी जाती। भाजपा की जन विश्वास यात्रा औरैया पहुंची, इस दौरान केंद्रीय मंत्री भानु प्रताप वर्मा ने सपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए सपा को गुंडों की पार्टी बताया, वहीं कांग्रेस को परिवारवाद की पार्टी बताया। आगे केंद्र मंत्री ने कहा कि जनता ने भाजपा पर भरोसा और विश्वास किया है, जनता ने लगातार विश्वास रखा है और उस विश्वास को और बढ़ाने के लिए भाजपा जनता के करीब जाकर जन विश्वास यात्रा के जरिए लोगों में विश्वास जगा रही है। पार्टी की जन विश्वास यात्रा 8 जिलों का भ्रमण करते हुए 25 विधानसभाओं में घूमते हुए आम जनता का आशीर्वाद लेते हुए इसके करीब पहुंच रही है। 2022 का चुनाव है और लगातार जनता ने हमको भरोसा और विश्वास दिया, लगातार इस यात्रा का तब और भव्य स्वागत। फिरोजाबाद में अनुसूचित मोर्चा के जिला सम्मेलन में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह पहुंचे, जहां पर मोर्चा के पदाधिकारियों और भाजपाइयों ने उनका जोरदार स्वागत किया। पुराने बस स्टैंड प्रांगण में भारतीय जनता पार्टी की ओर से आयोजित अनुसूचित मोर्चा के जिला सम्मेलन में भाजपा के केंद्र प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। पदाधिकारियों और भाजपाइयों ने मुख्य अतिथि का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। इस दौरान भाजपा के दिग्गज नेताओं के अलावा जिला स्तर के कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे। हम लोग निकले 17 में भी मैं यात्रा लेकर निकला था, परिवर्तन यात्रा लोग निकले थे उत्तर प्रदेश के अंदर। और आम आदमी यात्रा में भ्रष्टाचार
फिरोजाबाद में नगर विधायक मनीष असीजा की ओर से सत्कार टॉकीज के पास बालकिशन गुप्ता के बगीचे के सामने से कोटला रोड बंबा चौराहे से चनौरा तक 3.5 किलोमीटर लंबी करीब 22 करोड़ की लागत से बनने वाली सड़क को फोर लेन बनवाए जाने के लिए सड़क का भूमि पूजन किया गया। इस भूमि पूजन में बीजेपी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। महोबा में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा का जिला सम्मेलन आयोजित किया गया, जहां पर बतौर मुख्य अतिथि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कमलावती सिंह मौजूद रहीं। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर महिला कार्यकर्ताओं को अभी से जुट जाने और सरकार की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने की बात कही गई है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि अखिलेश की तबीयत ठीक नहीं है, इनका मानसिक संतुलन भी खराब हो चुका है। उन्होंने सभी विपक्षी दलों को बरसाती मेंढक की संज्ञा दी। आज यहाँ पर महिला मात्र सम्मेलन का आयोजन हुआ था महोबा में, और बहुत अच्छी संख्या बहनों की आई है, और उस बहनों की संख्या को देखते हुए और मोदी जी और योगी जी की जो हमारी योजनाएं हैं वो जन जन तक पहुँच रही हैं, और उसमें सबसे ज़्यादा यदि लाभ मिल रहा है तो हमारी महिलाओं को मिल रहा है। महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं और स्वेच्छा से उनको जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना था उसके अंतर्गत उनको जो भी योजनाएं मिल रही हैं उनको लाभ मिल रहा है, चाहे वो शौचालय। खबर अयोध्या से है, जहां पर सुरक्षित सीट मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश मिश्रा ने चुनावी रैली की। रैली के दौरान अयोध्या मंडल की 3 सीटों पर उम्मीदवार की घोषणा भी की गई। इस दौरान उदराज वर्मा पंकज अमेठी से रागिनी तिवारी और डॉक्टर डीएस मिश्रा बसपा के उम्मीदवार होंगे। रैली में पूर्व मंत्री नकुल दुबे, जोनल कोऑर्डिनेटर पवन कुमार और संयोजक करुणाकर पांडे भी उपस्थित रहे। खबर देवरिया से है, जहां पर बरहज विधानसभा से भारतवासी के प्रत्याशी त्रिलोकी वर्मा ने रैली के माध्यम से लोगों से वोट मांगा। वो सरकार की कमियों को गिनाते हुए भलुअनी चौराहे से होते हुए बरहज विधानसभा तक लोगों से जनसंपर्क करते हुए लोगों को जागरूक किया गया, साथ ही क्षेत्र की जनता से मतदान करने के लिए प्रेरित भी किया गया। हम लोगों का पार्टी है भारतवासी पार्टी, हम लोग 85% दबे कुचले लोगों की बात करते हैं जिनको वोट के लिए आगे तो किया जाता है लेकिन उनके साथ साथ ठगी भी किया जाता है। मैं एक लाइन बोलना चाहता हूं कि मेरे हिम्मत को सराहो। मामला रायबरेली के ऊंचाहार थाना क्षेत्र का है, जहां छात्रा ने गंगा में छलांग झोला छाप डॉक्टर समेत उनके साथियों पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है, जिसके बाद छेड़छाड़ करने वाले युवकों ने छेड़छाड़ का विरोध करने पर छात्रा को बुरी तरह पीटा गया है, जिसका इलाज जिला अस्पताल में किया गया। इस पूरे मामले पर पीड़िता के पिता का कहना है कि छात्रा की हालत बिगड़ने पर उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दिनेश कुमार, क्या मामला हुआ है? मामला ऐसा था सर कि मेरा लड़का नहा धो के घर पे बैठा था और दिल्ली से 6 गुंडा डॉक्टर ने बुलाया जो मेरे चौराहे पे, और धोखे से मेरे लड़के को फ़ोन किया, और मेरा लड़का और सतीश नाम का एक हरिजन है वो दोनों गए, दोनों को बुलाए, और जैसे वो लोग पहुँचे वहाँ पे चौराहे पे 6 जो बाहरी गुंडा थे मिलकर मारने लगे। क्या नाम है डॉक्टर का? डॉक्टर का नाम संगम मिश्रा। थाने में FIR दिया तुमने? अभी नहीं सर, तब तक तो इतना इसका तबीयत खराब हो गई कि बेहोश हो गया तो मैं यहाँ लेके आ गया। कितने बजे की बात है? और इसके बाद जब मैं, हम तो घर पे थे भी नहीं साहब, मैं थोड़ा दूर था और बेटी ये थी, ये भाग के गई तो पहले इसको 6 मिलके मारे, और इसको साहब एक और ये 6 लड़के डेली एक कोचिंग करती है कंप्यूटर क्लास से CCC की, जब घर से निकलती है तो वो लोग अक्सर उमरन से और परसी को चौराहे पे आज 1 महीना से छेड़छाड़ कर रहे थे। क्या नाम है जो मारा है? नीरज का, क्या नाम है? संगम। और उनके मामा का नाम है? इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता रायबरेली से जुड़ चुके हैं ओम शंकर। ओम शंकर, क्या है पूरा मामला? मारपीट और छेड़खानी की बात बताई जा रही है। देखिए, ये जो छेड़खानी कर रहा था एक झोला छाप डॉक्टर है, और ये लड़की जो है वो CCC की कोचिंग कर रही थी, ये वहां से निकलती है और ये 15-20 दिन से लगातार उस लड़की को छेड़ रहा था।
जब लड़की ने अपने घर में बताया और विरोध किया तो इसने अपने साथियों को मिलकर लड़की को इतना मारा है कि लड़की को ऊंचा हार सीएससी से रिफर करके जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पे लड़की का इलाज चालू है। हालांकि अभी परिजनों ने आज सुबह मुकदमा पंजीकृत करने के लिए तहरीर देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो है महिलाओं के प्रति जो अत्याचार बढ़ रहा है उसमें जो है पुलिस की निष्क्रियता खुलकर सामने आ रही है। जी, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, अब किस तरह से कार्रवाई की जाएगी? अब पुलिस तो वही है कि मुकदमा पंजीकृत करके अभियुक्तों की तलाश जो है उसकी दबिश दी जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये घटना हो क्यों रही है क्योंकि महिलाओं के प्रति जिस तरह से सरकार जो है जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है उसके बावजूद जो है अपराधी इतने बेखौफ हो गए चुके हैं कि जो है लड़कियों के कोचिंग जाते समय जो छेड़छाड़ होती है उस घटना को रोकने के लिए कोई भी प्रभावी कदम रायबली पुलिस प्रशासन की तरफ से अभी तक नहीं उठाया गया है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे संवाददाता ओम शंकर शुक्ला जुड़े थे। वही अब खबर मैनपुरी के किशनी थाना क्षेत्र से है, जहां नगला भक्ति में हिंदूवादी संगठनों को सूचना मिली कि धर्मांतरण कराया जा रहा है, जिसके बाद धर्मांतरण रोकने के लिए हिंदूवादी संगठनों के लगभग 20 लोगों पर धर्मांतरण कर रहे लोगों ने हमला कर दिया और हिंदूवादी संगठनों के लोगों को घेर कर जान से मारने का भी प्रयास किया गया, जिसके बाद हिंदूवादी संगठन के लोगों ने आरोप लगाते हुए कहा कि लगातार हमले के दौरान पुलिस को सूचना दी गई, लेकिन थाना किशनी पुलिस ने इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं की और संगठन ने पुलिस पर भी मिलीभगत का आरोप लगाया। लोगों ने यहाँ प्रेस वार्ता रखी है, सब लगता है मुझे जनपद के सभी हिंदूवादी संगठन यहाँ पे उपस्थित हैं। किस विषय पर ये प्रेस वार्ता है? कल थाना किशनी के अंतर्गत कुसुमरा के निकट एक गाँव है नगला भक्ति, वहां पर हमारे कार्यकर्ताओं, हमारे संगठन के आनुषांगिक संगठनों के सहयोगी संगठनों के लोगों को ये सूचना लगी कि वहाँ पर ईसाई मिशनरी से संबंधित कुछ लोग धर्म परिवर्तन के लिए एक कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। हमारे लोग जब वहाँ पहुँचे, जबकि उससे पूर्व पुलिस को भी सूचना दी गई, उससे पूर्व LIU को भी सूचना थी, हमारे लोग वहाँ पहुँचे, उन लोगों के द्वारा जो कार्यक्रम के आयोजक थे, उस कार्यक्रम से संबंधित लोग थे, जो बाहर से आए हुए लोग थे, उन लोगों द्वारा हमारे लोगों पर हमला किया गया। जान से मारने का पूरा षड्यंत्र था और उसमें किसने थाना की पुलिस SI धर्मेंद्र कुमार, SI सत्यवान सिंह, SO धर्मेंद्र कुमार, ये लोग इन्वॉल्व थे। मैं ये कहना चाहूँगा ये लोग इन्वॉल्व थे क्योंकि धर्मांतरण कराने में इन्वॉल्व थे लोग। ये लोग इन लोगों के साथ जो घटना घटी, इन लोगों के साथ जो हाथापाई हुई उसमें इन्वॉल्व थे। अगर सूचना के आधार पर समय पर पुलिस वाले वहाँ पहुँच जाता तो ये घटना नहीं घटती। अब क्या करने वाले हैं आप लोग? हम प्रेस के माध्यम से हमारी 4 मांगे हैं सभी संगठनों की सामूहिक रूप से। सबसे पहले कि तत्काल प्रभाव से SI सत्यवान, SO धर्मेंद्र कुमार, हवलदार सुशील, इन तीनों लोगों को लाइन हाजिर किया जाए, क्योंकि इनकी शिथिलता से बहुत बड़ी घटना घट सकती थी। घटना बड़ी है, एक गाँव में 20 कार्यकर्ताओं को घेर के मारने का प्रयास किया गया और बड़ी घटना हो सकती थी। इस पूरी घटना में इन लोगों की स्थिरता साफ तौर पर दिखाई दे रही है, तो इन लोगों को लाइन हाजिर किया जाए। दूसरी डिमांड हमारी है कि जो कार्यक्रम के आयोजक थे उनके ऊपर रामप्रसाद पुत्र मिश्रीलाल है नगला भक्ति के, इनके घर पर कार्यक्रम आयोजित हो रहा था, इन पर, और एक ईसाई पादरी है मेवाराम पुत्र रामवरम, ये अन्य जनपद का व्यक्ति है, पहले भी अहमलपुर थाना बेवर के अंतर्गत ये पकड़ा गया था। इसी तरह इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता मनीष मिश्रा जुड़ चुके हैं। मनीष, कितने लोग मौजूद थे जब ये धर्मांतरण कराया जा रहा था और कितने लोगों का धर्मांतरण कराया जा रहा था? जी, आपको बता दें वहां पर आसपास के कई एक जिले के बहुत सारे कैंडिडेट थे, जैसे कन्नौज है, फरखाबाद है, इटावा है, काफी लोग मौजूद थे और ये कार्यक्रम चल रहा था, लेकिन वहां पर ये कुछ हिंदूवादी संगठन पहुंच गए, कुछ पत्रकार पहुंचे क्षेत्रीय, तो इस वजह से उस समय तो ये नहीं हो पाया, लेकिन जो है उनको ये पत्थर वगैरह और ये बदतमीजी करके उनको जो है भगाना चाहा। पर्याप्त पुलिस फोर्स भी वहां पर नहीं था। अभी ये स्पष्ट नहीं है कि कितने लोगों का ये धर्म परिवर्तित कराया।
जी मनीष, जिस तरह से धर्मांतरण का मामले में ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं पुलिस पे, क्या वजह है जो पुलिस को इसमें खींचा जा रहा है और पुलिस पर आरोप लग रहे हैं? जी उनके कथनानुसार ये पुलिस की लापरवाही रही हो, वो बोल रहे हैं कि समय पर पुलिस फोर्स पहुंचना चाहिए था, वो भी जो है जितना पर्याप्त पहुंचना चाहिए था वो नहीं था, केवल 2-3 लोग थे उसमें, तो इस वजह से और उनकी जो है ढिलाई की वजह से वो ये आरोप लगा रहे हैं। जी तो जिन व्यक्तियों का धर्मांतरण किया जा रहा था तो वो क्या सफलतापूर्वक धर्मांतरण हो गया या हिंदूवादी संगठन के पहुंचने की वजह से रुक गया? जी फिलहाल तो रुक गया है, लेकिन ये जो मेवाराम है उस गांव के जो राम प्रताप उनके मामा हैं, तो वो कई एक जो है देवर थाना क्षेत्र में एक अहमदपुर नामक गांव था उसमें भी ये प्रोग्राम करते रहते हैं, तो वो आसपास कई एक जगह पर ये कार्यक्रम करते हैं, तो कल तो नहीं हो पाया। जी मनीष, हम ये जानना चाहेंगे जो धर्मांतरण कराया जा रहा था क्या वो धन के प्रलोभन में कराया जा रहा था या इसके पीछे क्या वजह है? जी सबसे बड़ी वजह तो यही है कि धन का प्रलोभन, यही सबसे बड़ी वजह है। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता मनीष मिश्रा जुड़े थे मैनपुरी से। संभल की ग्राम पंचायत बदायूं दरवाजा में ग्राम प्रधान विनोद ने अपने चचेरे भाई को ग्राम पंचायत सहायक अकाउंटेंट ऑपरेटर के पद पर नियुक्त करा दिया है, जबकि वो व्यक्ति 40 सालों से मुरादाबाद में नियमित रूप से रह रहा है और उनका जन्म प्रमाण पत्र भी मुरादाबाद की नगर पालिका से बना हुआ है। इसके साथ ही उनका राशन कार्ड, वोटर आईडी भी मुरादाबाद का ही बना हुआ है, लेकिन ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सचिव ने सब कुछ अंधेरे में रखकर बाहरी व्यक्ति की नियुक्ति का प्रस्ताव पारित कर दिया। अभी एक मामला संज्ञान में आया आपके यहाँ, जो कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती की गई है पंचायत सहायक की, उसमें आप अपने अपने एक परिवार के ऐसे व्यक्ति का प्रस्ताव करा दिया जो व्यक्ति पिछले 40 वर्षों से उसका जन्म प्रमाण पत्र भी मुरादाबाद का, और आपने यहाँ आय जाति से लेकर सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ के उपलब्ध करा दिए, केवल अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए, इसमें क्या कहना चाहेंगे? हमने तो सर ऐसा कुछ नहीं कराया, जो ग्राम पंचायत के जो प्रस्ताव आए थे 5 लोगों के प्रस्ताव ने नाम दिए, उसमें उस लड़के का नाम नंबर लगेगा, उसका बाद नंबर चलेगा, उसका डॉक्यूमेंट वो मुराद में रहता लड़का, तो उसके डॉक्यूमेंट कैंसिल होने बाद में अब जो दूसरे नंबर लड़का उसका पास करा दिया ना, तो फिर ये जब वो मुरादाबाद रहता है आपके परिवार का व्यक्ति है हमारे, फिर आपने ये फर्जीवाड़ा आपने हमारे संज्ञान में कैसा हुआ? हमारे कोई निजी परिवार। इस खबर पे हमारे संवाददाता मुबारक अली जुड़े हैं। मुबारक अली, क्या है पूरा मामला? आपको बता दूं, जनपद संभल का क्षेत्र का पूरा मामला है, मामला है सहायक भर्ती को लेकर, जो मुरादाबाद मुरादाबाद में रहता था, 40 साल पहले से मुरादाबाद में परिवार रह रहा था उसका, रहने के बाद में ग्राम प्रधान ने फर्जीवाड़े से जो सहायक की भर्ती भर्ती में वो कर ली गई है, उसमें कई और विवच ने जो आरोप लगाया है, और जो फर्जीवाड़ा क्या कई बार उन्होंने जिलाधिकारी ने कहा, उन्होंने बोले वो कागज निरस्त कर दिए थे और दोबारा से फर्जीवाड़े से उन्होंने तो प्रस्ताव पास करा लिया। जी मुबारक, हम ये जानना चाहेंगे कि ये शिकायत किसके द्वारा की गई है कि फर्जीवाड़े करके इस तरीके से पद की नियुक्ति करी है? जो शिकायत करी है ग्रामीण ने, जो उसके उसी के गांव का है, जो उसमें उसने भी फार्म डाले थे, फार्म डालने के बाद में उसका उसका पास नहीं किया गया, जो ग्राम प्रधान है जो उसके घर का ही तेरा भाई बताया जा रहा है। जी तो क्या इस बात के कोई सबूत मिले हैं कि फर्जी दस्तावेज बना के पद पे नियुक्ति की गई है? जो जन्म प्रमाण पत्र बना हुआ है वो मुरादाबाद का बना हुआ है, जो इससे पहले यहाँ से इस गांव से चला गया था युवक, और 40 साल से वहाँ मुरादाबाद में रह रहे हैं, पूरे डॉक्यूमेंट वही के हैं मुरादाबाद के। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता मुबारक अली जुड़े थे संभल से। बलरामपुर के थाना महाराजगंज तराई क्षेत्र में रूपनगर ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान राधेश्याम वर्मा की दिन दहाड़े हत्या की गई, जिससे पूरे क्षेत्र में आक्रोश पनप रहा है। परिजनों का आरोप है कि गांव के ही कुछ लोग चुनावी रंजिश में ग्राम प्रधान राधेश्याम वर्मा की गोली मारकर हत्या की गई है। वहीं पुलिस ने हत्या के कारणों का खुलासा नहीं किया है। थाना क्षेत्र महाराजगंज तराई में रूपनगर गांव में
वहाँ पे जो वर्तमान प्रधान हैं राधेश्याम वर्मा, इनको रास्ते में पड़े हुए मिले थे और इनको जब अस्पताल लाया गया तो ये मृत घोषित किए गए हैं। पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और आगे जो भी विधिक कार्रवाई है हम लोग कर रहे हैं। ग्राम प्रधान की गोली मारकर हत्या कर दी है। वहीं परिजनों का आरोप है कि चुनावी रंजिश के चलते यह हत्या करवाई गई है। इस खबर पर हमारे संवाददाता अमित जुड़ चुके बलरामपुर से। अमित, परिजनों का तो आरोप है कि गोली मारकर हत्या करी गई चुनावी रंजिश के चलते, लेकिन पुलिस का क्या कहना है इस मामले में? जी, मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि बलरामपुर जनपद के रूपनगर में कल एक प्रधान की गोली मारकर हत्या कर दी गई, या उसके परिजन कह रहे हैं, लेकिन बलरामपुर जनपद के पुलिस का कहना है कि उसकी हत्या हुई है चुनावी रंजिश में, जो ग्रामीण बता रहे हैं। और अभी ये नहीं खुलासा हो पाया है कि गोली मारने से उसकी हत्या हुई है या कोई इसे धारदार हथियार से मारने की उसकी हत्या हुई। उसके प्रधान का एक साथी भी घायल हो गया, जो जिसका मेमोरियल अस्पताल में दवाई इलाज चल रहा है। जब उसको होश आएगा तब वो बताएगा कि कैसे क्या घटना हुआ है। लेकिन जो गांव में उसके परिजन है, वह ग्रामीण है, जो कह रहे हैं ये चुनावी रंजिश है। वो पूर्व प्रधान था और इस बार प्रधान वो चुनाव में हार गया था, इसी को लेकर गांव में वो चुनावी रंजिश को लेकर अब तमाम टिप्पणियां करता रहता था। लेकिन जब कल प्रधान अपना गन्ने का खेत कटवाने के लिए जा रहे थे तभी ये जो घटना हुआ है उसी समय हुआ है। तो ग्रामीण कह रहे हैं जब इधर से प्रधान जा रहे थे तो कुछ नहीं था, लेकिन आधे घंटे के अंदर ये पता चला कि उनकी मौत हो गई है, पड़े हुए हैं रोड के किनारे। तो वहीं पुलिस को जब सूचना मिली तो पुलिस गाड़ी से उनको मेमोरियल अस्पताल में भिजवाया। उनका दवा इलाज जो एक साथी से उनका चल रहा था, वहीं जो दूसरे प्रधान थे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे संवाददाता अमित कुमार जुड़े थे बलरामपुर से। संभल के चंदौसी एएम वर्ल्ड स्कूल में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए तीसरा वार्षिक खेल दिवस मनाया गया। स्कूल के एनुअल कार्यक्रम में चीफ गेस्ट बनकर आए चंदौसी एसडीएम राजपाल सिंह और सीओ गोपाल सिंह ने मार्च पास कर रहे बच्चों की सलामी लेकर उनका उत्साहवर्धन किया और बच्चों का मार्गदर्शन किया। स्कूल में नर्सरी से लेकर इंटरमीडिएट तक के बच्चों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। महोबा में नगर पालिका ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत एक मुस्लिम जोड़ा समेत 15 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया। इस विवाह समारोह में सदर विधायक राकेश गोस्वामी सहित नगर पालिका अध्यक्ष और तमाम बीजेपी नेता मौजूद रहे। इस दौरान सभी ने नव दंपत्ति जोड़ों को उपहार देकर आशीर्वाद दिया। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष दिलाश सौरभ तिवारी ने बताया कि सातवीं बार ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की विवाह सामूहिक विवाह योजना के तहत गरीब बेटियों की शादी धूमधाम से कराई जाती है। जैसा आप सभी पत्रकार बंधु जानते हैं, हमेशा नगर पालिका ये सातवीं बार विवाह समारोह करने जा रही है। ये माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी की योजना है, जिसके तहत हम ये विवाह समारोह रख रहे हैं। इसमें हमारे पूरे 15 जोड़ा हैं, इसमें एक मुस्लिम जोड़ा है, जो कि मैं एक बार ज़रूर कहना चाहूँगी, जो हमारे यहाँ आजकल प्रचार प्रसार चल रहा है कि ये योगी जी हो या मोदी जी, जातिवाद का ज़्यादा नारा लगाते हैं सभी विपक्षी, तो इसमें आप खुल के देखते हैं कि साथ हमारे यहाँ जो सातवां ये विवाह समारोह है, और मुझे लगता है हर विवाह समारोह में कभी मुस्लिम जोड़ा एक होता है, कभी दो हो जाता है, कभी तीन हो जाता है, लेकिन इसमें हमने कभी कोई पक्षपात नहीं किया है। हमारे यहाँ माननीय योगी जी का निर्देश है कि जैसे एक पंडित को बुलाकर हम भावरे कराते हैं अपनी जोड़ों ये हिंदू जोड़ों की, उसी तरह हम मौलवी को भी, आप हमारे साक्ष्य है, आपने सामने देखा भी है कि मौलवी को बुलाकर बाकायदे हम जो मुस्लिम जोड़ों की विवाह समारोह होता है उसी तरह से उन्हीं रीति रिवाज। उत्तर प्रदेश खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।